इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेसिस्टर्स इन पैरेलल। तो एक हमें सर्किट ले लेता हूँ। तो एक सर्किट है, ये हमारा एक रेसिस्टेंस हो गया R1, एक और रेसिस्टेंस ले लिया R2, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया पैरेलली। ठीक है, तो दोनों के एंड क्या करने हैं, टाइट टुगेदर करने हैं। सीरीज में क्या है, एक है, एक एक एंड दोनों का टाइट करना है, बाकी एंड बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तो दोनों टाइट टुगेदर करने हैं, और उसके साथ फिर यहाँ पर क्या लगा देना, इसको कनेक्ट कर दो बैटरी के साथ। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, V मान लिया, तो और इसकी वैल्यू है R2। तो पैरेलल सर्किट है, तो R1 और R2 सेम, V और मतलब जो वोल्टेज अक्रॉस R1, वोल्टेज अक्रॉस R2 इक्वल्स टू वोल्टेज ऑफ द बैटरी। तो वोल्टेज अक्रॉस R1, इसका नाम दे दिया VR1। ठीक, इसका नाम दे दिया VR2। तो V इक्वल्स टू VR1 इक्वल्स टू VR2। अब यहाँ पर एक नोड ले लेते हैं, इस नोड का नाम दे देते हैं A। तो जो करंट है वो है I, टोटल करंट जो बैटरी से निकल रही है। अब जो कंपोनेंट में जा रही है, इसका नाम दे दिया I1 और इसका नाम दे दिया I2। सही है, तो यहाँ पर KCL लगाएंगे। इसको याद रखना है, जैसे कि आपने सीरीज में याद रखा, सीरीज में करंट सेम थी, तो I इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पर ये दो सीरीज में लगा दिए, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है और ये I है। तो I जो है इसमें, तो I थ्रू द R1 इक्वल्स टू I थ्रू द R2 इक्वल्स टू I फ्रॉम द बैटरी। सिंपल था। ऐसे ही इसमें पैरेलल में वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी इक्वल्स टू द वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टेंस R1, और इक्वल्स टू द वोल्टेज अक्रॉस टू द रेसिस्टर R2। सिंपल है। तो यहाँ पर KCL लगेगा, तो इसको अब भूल जाओ। KCL अब हमारा जो लगेगा वहाँ पर, एक चीज़ है, दोनों को कंपेयर करके ज़रूर देखना, क्योंकि कंपेयर करके देखो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। ठीक, तो बिल्कुल उसी मैनर में बता रहा हूँ उसका सर्किट किस तरह का, इस तरह का, इस जो पैरेलल वाला है इसका सर्किट किस तरह का है। तो KCL अब हमारा जो है वो बना I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो करंट इस नोड पे, तो आने वाली करंट, तो आने वाली करंट है I, इसकी तरफ आ रही है, और जाने वाली करंट, उनका सम। सही है, तो एल्जेब्रिकली सम होता है। वैसे इसको अगर हम जैसे इसमें लिखा था, यहाँ पर V1, यहाँ पर V2 और ये V था, तो इसको जब हम एल्जेब्रिकली कर रहे थे, तो V-V1-V2 इक्वल्स टू 0। तो ऐसे ही सेम यहाँ पर है। तो जो करंट आने वाली है I, और जो जाने वाली है वो सब, उनका साइन अपोजिट हो जाएगा, तो -I2 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है I इक्वल्स टू V डिवाइड बाई R। ठीक है, तो I1 इक्वल्स टू क्या हुआ, I1 इक्वल्स टू हुआ, V तो सेम ही है ना भाई, सबका सेम ही है, तो इसको V मान लेते हैं। इसको पर वो डिपेंड करेगी रेसिस्टर पे। ठीक, हाँ, एक चीज़ और है, सीरीज में जो वोल्टेज है अक्रॉस द कंपोनेंट वो डिपेंड करती है रेसिस्टर पे। ठीक है, पैरेलल में जो करंट है वो डिपेंड करती है रेसिस्टर पे, उसकी वैल्यू क्या है, वोल्टेज सेम रहेगी। ठीक है, वो जो करंट जो वेरी करेगी इसमें कम किसमें ज़्यादा, वो डिपेंड करेगी रेसिस्टर की वैल्यू पे। सीरीज में करंट सेम रहेगी, पर वोल्टेज उसके अक्रॉस किसकी कम है किसकी ज़्यादा, वो डिपेंड करेगी रेसिस्टर की वैल्यू पे। तो I1 इक्वल्स टू V डिवाइड बाई R1, I2 इक्वल्स टू V डिवाइड बाई R2। अब इस वाली इक्वेशन पे ही आते हैं, अब इसको देखते हैं। तो I इक्वल्स टू V डिवाइड बाई R, फार्मूला लिख दो, और I1 इक्वल्स टू V डिवाइड बाई R1 और प्लस I2 V डिवाइड बाई R2। तो V सबका कॉमन है। ठीक, तो V डिवाइड बाई R इक्वल्स टू V1/R1 प्लस 1/R2। तो V से V खत्म हो गया, तो 1/R इक्वल्स टू आया हमारा 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं। इसको और सिंपलीफाई करोगे तो क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम ले लो, तो R1 R2 मल्टीप्लाई कर दी सीधी। ठीक, तो 1/R इक्वल्स टू
आर टू प्लस आर वन, ठीक। अब इसको इन्वर्स कर देते हैं सबको, तो आर इक्वल्स टू बना हमारा आर वन प्लस, सॉरी आर वन प्लस आर टू, ये आर है हाँ, आर वन प्लस आर टू डिवाइड, नहीं नहीं हम गड़बड़ हो गए, तो ये बना हमारा आर वन मल्टीप्लाई बाई आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू, ठीक। तीन रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में है तब क्या बनेगा, ठीक है। तो अब इसको ही आगे बढ़ा सकते हो, इसको करके देख सकते हो, इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस मैनर में ही काम करना है, ठीक है ना। तो अब उसमें अगर तीसरा रेसिस्टेंस हो जाए तो वन बाई आर थ्री, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर थ्री, और यहाँ प्लस आर टू आर वन में से आर टू आर थ्री, आर वन आर टू आर थ्री और प्लस आर वन आर टू, ये आएगा अगर तीन रेसिस्टेंस हो जाए पैरेलल में, ठीक है। तो दो के लिए ये और तीन के लिए इसको फिर इन्वर्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चलता रहता है, ठीक है। तो अब इस पर कोई न्यूमेरिकल करते हैं, जो सीरीज वाला था, तो कोई न्यूमेरिकल ले लेते हैं। न्यूमेरिकल में सपोज करो यहाँ पर हमने एक वन ओम का रेजिस्टर है, ठीक है, यहाँ पर एक टू ओम का रेजिस्टर है, यहाँ पर कोई हमने वोल्टेज लगाई हुई है, वोल्टेज सोर्स। तो सपोज करो टू वोल्ट यहाँ पर है, तो क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट हैं तो इसके अक्रॉस भी टू वोल्ट हो गई, ठीक है, इसके अक्रॉस भी टू वोल्ट हो गई। अब हमें करंट निकालनी है, आई वन निकालना है, ये आई टू निकालना है और टोटल करंट निकालनी है आई। तो या तो आप इसको जो सीरीज में है, जो सॉरी जो पैरेलल में रेसिस्टेंस है, एक ये रेसिस्टेंस है तो जिसका मैंने ये बनाया है, और एक रेसिस्टेंस है ये वाला, ठीक है। तो हम जो आर है ये वैल्यू हम यहाँ पर देख रहे हैं बेसिकली, ठीक है, ये आर वन और ये आर टू। तो या तो इस फार्मूले में पुट करके इसको कन्वर्ट कर दो इस तरह, ये आर हो जाएगा, ठीक है। ये टर्मिनल सपोज करो ए और बी नाम है इनके, यहाँ पर ये ए और बी में कन्वर्ट कर दो। तो कैसे करोगे, इस फार्मूले में इनकी वैल्यू रख दो आर वन आर टू की। तो आर वन की वैल्यू वन ओम, आर टू की वैल्यू टू ओम। तो इसको यहाँ से आगे सोल्व कर देते हैं, तो वन इंटू टू डिवाइड बाई वन प्लस टू, तो ये बना हमारा टू डिवाइड बाई थ्री ओम, ठीक। तो इस फार्मूले को अगर देखें तो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्व करने वाली बात है, और ऐसे ही आप ऑब्जर्व करो। चलो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, एक दूसरा और लेक्चर बना लेंगे इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन वाला, आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो आर की वैल्यू टू बाई थ्री ओम, अब हमें निकालनी है करंट, तो आई इक्वल्स टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ दोनों के लिए सेम है, सीरीज हो या पैरेलल सर्किट, ओम्स लॉ सबके लिए सेम है। तो वी डिवाइड बाई आर, तो वी की वैल्यू कितनी है टू, आर की वैल्यू है टू बाई थ्री, तो ये बना हमारा टू मल्टीप्लाई बाई थ्री डिवाइड बाई टू, ठीक है। तो टू से टू खत्म, यहाँ पर आया थ्री एम्पियर, तो आई की वैल्यू है थ्री एम्पियर। आई वन की वैल्यू टू वोल्ट, जो वोल्टेज सप्लाई है वो बैटरी की वोल्टेज है, वो इसके अक्रॉस रहेगी, तो टू वोल्ट डिवाइड बाई आर वन, आर वन है टू ओम, तो ये हुआ वन एम्पियर। आई टू की वैल्यू टू डिवाइड बाई वन ओम इक्वल्स टू टू एम्पियर, तो आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू, तो आई जो है हमारा हमने
देखा 3 एम्पियर था, आई वन 1 एम्पियर प्लस आई, सॉरी ये 3 लिख दिया, ये 2 है, ये 2 एम्पियर, तो ये हो गया 3 एम्पियर इक्वल्स टू 3 एम्पियर, हमारा लॉ जो है सही है, वेरीफाई। तो इस तरह हम इसकी सब करंट वगैरह निकाल सकते हैं। ऐसे ही एक और ले लेते हैं, एक सर्किट और ले लेते हैं, एक सर्किट ले लिया ये, ठीक है, एक सर लगा दिया इधर, यहाँ पर कोई बैटरी लगाई हुई है, यहाँ पर करंट दी हुई है, आई की वैल्यू दी हुई है, आई इक्वल्स टू दिया हुआ है यहाँ 4 एम्पियर, ठीक, वी नहीं दिया यहाँ पर, जो है आई, अब ये नोड है आई और इसकी वैल्यू है यहाँ पर, इसको मान लिया आई टू, इसकी वैल्यू दी है 1 एम्पियर, ठीक है, आई वन की वैल्यू निकालनी है, ठीक, और इसका जो रेसिस्टेंस है वो भी दिया हुआ है आर टू की वैल्यू और यहाँ पर आर वन की वैल्यू, आर टू की वैल्यू आपको दी हुई है, आर टू की वैल्यू दी हुई है 3 2 ओम मान लेते हैं चलो, ठीक है। तो तुम्हें क्या निकालना है, ये वोल्टेज निकालनी है, आई वन की वैल्यू निकालनी है, आर वन की वैल्यू निकालनी है, तो हमें निकालना है वी, ठीक, और वी टू भी निकालना है, वी वन भी निकालना है चलो, और साथ में आई वन भी निकालना है, आर वन भी निकालना है, इतनी सारी चीज़ हमें फाइंड करनी है, जो गिवन है आई दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो वी टू कितना हुआ, वी टू सिंपली आई मल्टीप्लाई आई टू मल्टीप्लाई बाई आर टू, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब है ये 2 वोल्ट निकल के आया, तो इसका मतलब वी टू भी 2 है, पैरेलल सर्किट है, वी वन भी 2 वोल्ट है, वो तो निकाल ही लिया हमने, वी टू निकाला, वी वन निकाला, हाँ वी टू निकाला, ठीक है, तो वी टू निकाला हमने, सॉरी हाँ वी टू तो निकाला, तो वी टू निकाला, 2 वोल्ट इसकी निकल के आई, तो 2 वोल्ट ये और 2 वोल्ट ये, अब आई वन निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे, सिंपल KCL, तो आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू, आई की वैल्यू 4, आई वन की वैल्यू पता नहीं, आई टू की वैल्यू 1 एम्पियर, तो आई वन इक्वल्स टू 3 एम्पियर, ठीक है। अब आपको आई वन की वैल्यू पता है, आर वन की वैल्यू पता नहीं, पर इसके अक्रॉस वोल्टेज पता है, वोल्टेज है 2 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस निकाल लो, तो आर इक्वल्स टू, फिर ओम्स लगा दो, ओम्स ला, आर वन इक्वल्स टू वी वन डिवाइड बाई आर वन, सॉरी आई वन, वी वन डिवाइड बाई आई वन, तो वी कितना है 2, आई वन कितना है 3, ठीक है, तो 2/3 ओम ये वैल्यू आ गई, सिंपल है। तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, इसमें कुछ ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो दोनों में देखेंगे और कुछ ऑब्जर्वेशन, तो थोड़ी सी रीडिंग इस तरह से बना के हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक, चलिए इसको यहीं रोकता हूँ।